हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बॉलीवुड क्रेज। और आज के एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे शाहरुख खान और एटली की आने वाली अपकमिंग मूवी जवान। यस फ्रेंड्स, पठान की ब्लॉकबस्टर सक्सेस के बाद सबकी नज़रें जवान फिल्म पे हैं कि क्या वो पठान के बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स तोड़ पाएगा या नहीं, क्या उसे नॉर्थ के साथ साउथ से भी वैसा कलेक्शन मिलेगा या नहीं, क्या वो ऑल टाइम ग्रॉसिंग हाइएस्ट फिल्म बन पाएगी या नहीं। तो ऐसे में पब्लिक के साथ मेकर्स और बाकी को स्टार्स की भी हाइप आसमान छू रही है। फ्रेंड, ऐसे में एक अपडेट सामने आई है कि आप सबको पता है कि जवान का क्लाइमेक्स शूट हो रहा है आजकल पुणे में, तो उसके डायरेक्टर एटली ने आलू अर्जुन उर्फ पुष्पा को कॉन्टैक्ट किया है कि वो अपना एक छोटा सा कैमियो प्ले करें। यस फ्रेंड, ठीक सुना आपने कि आलू अर्जुन जवान फिल्म में कैमियो करने लगे हैं। आपको जवान फिल्म के क्लाइमेक्स में पठान और पुष्पा दोनों नजर आने वाले हैं। आपको बताते चलें कि आलू अर्जुन इन दिनों अपने पुष्पा 2 की शूटिंग में सुपर बिजी हैं। उन्होंने अपने डायरेक्टर से रिक्वेस्ट की है कि उन्हें जवान के लिए एक हफ्ता ऑफ किया जाए। फ्रेंड, ये शाहरुख खान की मेगा स्टार पावर भी दिखाता है कि किस तरह साउथ के बड़े से बड़े एक्टर भी उनके साथ काम करना चाहते हैं, उनके साथ स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं। विजय सेतुपति पहले उनके साथ फिल्म में है और अब आलू अर्जुन का भी कैमियो हो तो और क्या चाहिए। ये फिल्म सही मानों में पैन इंडिया मूवी की तरफ जा रही है। फ्रेंड, एक्सपर्ट्स का मानना है कि जवान फिल्म को पठान से ज़्यादा बॉक्स ऑफिस सक्सेस मिलेगा क्योंकि एटली, आलू अर्जुन और विजय सेतुपति साउथ से भी काफ़ी अच्छा खासा बिजनेस ले आएंगे, जो कि पठान को इतना नहीं मिला। पठान को साउथ से सिर्फ 20 करोड़ की अर्निंग हुई है, जबकि जवान को नॉर्थ और साउथ दोनों की अर्निंग्स मिलेंगी। और इसके साथ आएगी रोज़ ही ऐसी नई खबर, आलू अर्जुन अटैच हुआ है, फिल्म की हाइप मज़ीद बढ़ा देता है। फ्रेंड्स, आप कितने एक्साइटेड आलू अर्जुन और शाहरुख खान को इकट्ठे स्क्रीन पर देखने के लिए, काइंडली कमेंट सेक्शन में बता दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।